नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले और सटीक जानकारी बीएचयू पाठशाला पे आपको देखने को मिलेगा। बीएचयू यूजी की काउंसलिंग बहुत ही स्मूथली चल रही थी। कल अचानक देर रात बच्चे परेशान हो गए क्योंकि उनका काउंसलिंग पोर्टल जो है वो यहाँ पे ब्लैंक हो गया। यानी जो वेरिफिकेशन कॉलम है, पहले वेरीफाइड था यानी वेरिफिकेशन कंप्लीट था, अब वो ब्लैंक हो चुका है बहुत सारे बच्चों का। और मैं बताऊंगा क्या क्या कंडीशन है, लगभग 3-4 कंडीशन बताऊंगा कि किनका ब्लैंक हुआ है, क्यों हुआ है और वो सही होगा कि नहीं होगा, कब तक होगा। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि बीएचयू पाठशाला पे कंटिन्यूअस मैं वीडियोस देता हूं और उसमें इस बात का मेंशन जरूर रहता है कि भाई आपने अगर काउंसलिंग करा लिया है, आपके डॉक्यूमेंट सही है, प्रिफरेंस भर दिया है, तो आपको यहाँ के कितने बड़े भी ऑफिसर है कैंसिल नहीं कर सकते। यानी आपने अपना काम कर दिया, दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, अब ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। लेकिन फिर भी अगर मैं स्टूडेंट होता और मेरे साथ ऐसा होता तो हम भी जरूर पैनिक होते, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो। हाँ, मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप लोग अपने एडमिशन को लेके सजग है। रात के 2 बजे 3 बजे तक मैसेज कॉल्स पड़े हुए हैं कंटिन्यूअस, तो ठीक है। अभी आप वीडियो बीएचयू पाठशाला के देख रहे हो तो परेशान मत होना, स्टार्ट करो। मैं जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज वो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि उन्हें नहीं पता है बीएचयू पाठशाला कितना अथॉरिटी न्यूज देता है। तो आज ये भी एक बहुत ही अथेंटिक न्यूज होने से आ रहा है, बाकी कहीं भी आपको देखने सुनने को नहीं मिलेगा क्योंकि लोगों को पता नहीं है ना एक्चुअली क्या हुआ है। ये चीज मैं आपको बता रहा हूं और मेरी आवाज अगर थोड़ी सी आपको भारी लगेगी तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा हेल्थ इश्यूज की वजह से ऐसा हो रहा है। बट आपका काउंसलिंग का लास्ट समय है तो मैं चाहता हूं किसी भी समय में आपके साथ दिया जाए और बड़ा अच्छा रहता है कि सफर के अंत समय तक मैं बना रहा। तो बस दिस इज द रीजन। बट आप लोग परेशान मत हो जाना कि आप अपना हेल्थ का ऑल इज वेल, बस जैसे भी आपका काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा मैं भी एक लंबी सांस लूंगा, ठीक है। दोस्तों देखो, जैसे ही मैं जो ओपन किया हूं, इनका बीए आर्ट्स भी है और उसमें मेन कैंपस भी है, एफिलेटेड कॉलेज की भी प्रेफरेंसेज है, पेड सीट के भी प्रेफरेंसेज है। ऐसे ही कुछ बच्चों के जो होंगे आप देखोगे वो BA LLB का भी है, BCOM का भी है, अलग अलग बच्चों की चॉइसेस है। यानी एक बच्चा कई सारे प्रेफरेंसेस, कई सारे कोर्सेज में अपना फॉर्म डाला हुआ है, ऐसा है। अब हुआ क्या है, यहाँ पे एक ही रोल नंबर और एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर की वजह से जब पोर्टल एक जगह से दूसरे जगह ओपन हो रहा है, आपको बता दूं कि अलग अलग कमेटी है, जैसे कि वेरिफिकेशन का FMC का ये आदमी कर रहा है, ये सर कर रहे हैं, एफिलेटेड का ये सर कर रहा है, स्पोर्ट्स का ये सर कर रहा है। तो जब वो यहां से ओपन होके दूसरी जगह ओपन हो रहा है और वो जैसे ही आपको वेरिफिकेशन के लिए चेक कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज वेरिफिकेशन अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि सेंट्रलाइज वेरिफिकेशन बस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हुआ था, अभी कोर्स वाइज और कॉलेज वाइज वेरिफिकेशन हो रहा है। तो ऐसे में एक जगह से जब दूसरे जगह इसको ओपन किया जा रहा है तब वो वहां पे इनकम्प्लीट हो जा रहा है। जैसे ही सभी जगह से वेरिफिकेशन फिर से कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे विजिबिलिटी फिर से वेरिफिकेशन का कंप्लीट शो करने लगेगा। तो मैं आपको एक बार फिर से इन्फॉर्म कर रहा हूं कि पूरा कहानी क्या है। देखो, यहाँ पे कुछ बच्चों का ऐसे भी सीन है कि उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट है, उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि उनका कोर्स ही ऐसा है, उनका कोर्स सिंगल कोर्स है और वो कोर्स बस FMC में अवेलेबल है, वो पेड सीट पे भी नहीं है। तो उनके साथ ऐसा नहीं हुआ है, उनका आराम से पूरा का पूरा वेरीफाइड कल भी था आज भी है, ठीक है। लेकिन उनके साथ हुआ है जिन्होंने मल्टी कोर्सेज में है। कभी कभी हो सकता है किसी ऐसे केसेस भी हो कि सर मेरा फिर भी हो रहा है, तो भी आप वरीड मत होना, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना कि जब तक मैं यहाँ पे वीडियोस दे रहा हूं तब तक सच में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, होगा तो मैं जाके पता करूंगा और मैं बोलूंगा सर ऐसी समस्या है। तो आप लोग अभी जितना मैं आपको दिखा रहा हूं ना, बस इतना समझ लेना है कि आप आराम से भरोसा करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज वेल। और आप लोग अंडर द काउंसलिंग हो, ठीक है, बाहर नहीं हुए हो, आपको आप कंसिडर किए जाओगे। और हाँ, बार बार एक देख रहा हूं कॉमेंट आ रहा है कि सर आज पता चल जाएगा कि पाठशाला कितना सटीक है, आज पता चल जाएगा कि पाठशाला कितना सटीक है। पाठशाला पहले भी सटीक था, पाठशाला आज भी सटीक है, पाठशाला आगे भी सटीक रहेगा। पता नहीं कौन वीडियो में कहीं मेंशन कर दिया कि काउंसलिंग इज अ सिलेक्शन। मैं वीडियोज में आपको इस बात का कंफर्मेशन दे रहा हूं कि वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट कंप्लीट और प्रिफरेंस लॉग नेवर कैन बी सिलेक्शन। कभी भी ये सब जो प्रोसीजर आपको कंप्लीट दिख रहे हैं, दिस इज जस्ट प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग,
ठीक है। तो आप लोग मुझे नहीं पता, और जहां देखते हो आप उनसे भी पूछा करो क्वेश्चन, अदरवाइज आप यूट्यूब पाठशाला देख रहे हो, ट्रस्टेबल चैनल है, आप यहाँ देखो, बाकी कहीं भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं तो बोलता हूँ वीडियो सबका देखो, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन भाई कम से कम इतना तो भरोसा करो कि हाँ मेरे से वेरिफिकेशन मत कराओ कि सर वो ये बोल रहे हैं आप ये बोल रहे हैं, क्योंकि मैं जो बोला मुझे पता है मैं सही बोल रहा हूँ, और मैं फेस टू फेस बात करता हूँ यार, ठीक है। मेरे वीडियोस देखो, पता चल जाएगा कि कितनी अथॉरिटी है इनके वीडियो में, बात खत्म करो फिर। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि आज आएगा कि नहीं आएगा, पता चल जाएगा पाठशाला कितना सटीक है, ठीक है आप पता कर लेना पाठशाला कितना सटीक है। और आप मेरे से क्यों चैलेंज वाला गेम खेल रहे हो यार, मैं आपके भले के लिए खड़ा हूँ, जैसे लग रहा है कि मैंने आपके कोर्स की जिम्मेदारी ले रखी, ऐसा नहीं है। मैं आपके साथ इसलिए खड़ा भी हूं क्योंकि आप, मैं नैतिक मूल्यों का बहन कर रहा हूं, मुझे लगता है कि नैतिक मूल्यों पे आपका साथ देना चाहिए, क्योंकि कोई लड़का राजस्थान से आके अपना काम यहाँ कराए, कोई लड़का केरला से आके, कोई उड़ीसा से आके कराए, तो सही नहीं है। और आप ही बताओ आपका अभी जहां भी हो गए नजदीकी बताना, बीएचयू कितना दूर है, आप वहां से आके क्यों परेशान हो गए। तो फाइनली आपको बीएचयू पाठशाला इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि इसमें आपका भला है, आपका पैसा बचेगा, आपको आगे यहाँ चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे ऑफिस के, ये चीजें मैं आपका कर देता हूँ, बात खत्म करो, मुझे आपके आपसे पैसे भी नहीं चाहिए सबसे बड़ी बात। तो प्लीज बीएचयू पाठशाला इसलिए देखिए और अपने भले के लिए देखिए, ठीक है। तो हरे हरे महादेव, जैसे कृष्ण, राधे राधे। बीएचयू पाठशाला का हर एक वीडियो देखे, परेशान नहीं होना है, जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है, वीडियो बना के चाहे पोस्ट डाल के। तो ओके, मुस्कुराते रहे, हरे हरे महादेव।